तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग इन ही चार पांच कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखा कर होती है, जिन सभी के ही नाम समांथा, मार्क, डैक्स एंड जूलिया होते हैं, जो कि ये चारों मिलकर काउंटी साइड के ही एक लोकल बेसिकली किसी वुड वाले इलाके में साथ में मिलकर पार्टी वगैरह करने के लिए कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जिसके लिए ये चारों ही काफी ज्यादा अंदर से एक्साइटेड थे। तो बस अब जैसे तैसे उस वोट वाले इलाके में आती हैं, जहाँ पर इन चारों के अलावा फिलहाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। समांथा और उसके दोस्त वो सभी ही मिलकर लेक साइड के एरिया के पास बैठकर चिल मारते हुए ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं। तो अब कई घंटों तक लेक के पास ऐसे बैठने के बाद मार्क एंड समांथा, जिनका अचानक से जंगल के बीच जाकर इंटीमेट होने का मूड हो रहा था, तो एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए समांथा वो अपने कपड़े ही उतारने जा रही थी, तो तभी ही उसी ही वक्त अचानक से मार्क का कैमरा वो अपने आप ही ग्लेज करना शुरू कर देता है। तो जिसे देख वो इस बारे में कुछ करता ही, तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर ठीक पीछे की तरफ खड़े हम सभी ही किसी अजीब से दिखने वाली एंटिटी को देख पाते हैं, जिसे हम सही तरीके से ग्लिचेस के कारण ठीक से नहीं देख सकते। लेकिन वो एंटिटी अपने हाथों में पकड़े हुए चक्कू को बिना कुछ सोचे समझे ठीक सामने ही खड़े समांथा की आग के अंदर फेंक कर घुसा देता है। तो जिसके चलते समांथा उसका सर ऐसे फट जाने से, सर के अंदर बुरी तरीके से चक्कू घुस जाने से एट द मोमेंट ही मौत हो जाती है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल मार्क वो अपने ठीक सामने समांथा को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ देख लेक साइड की तरफ मौजूद इससे टेरिफाइंग इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान भागकर अपनी जान बचाने के लिए जॉन एंड जूलिया के पास ही जाता, तो तभी ही उससे पहले वो क्रीपी से दिखने वाली एंटिटी, जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि हम उसे ग्लिचेस के कारण ठीक से नहीं देख सकते, वो क्रीपी से एंटिटी एकदम से मार्क के सर को पकड़ जमीन पे गिरा, समांथा के सर के अंदर से चक्कू को निकाल सीधा उसे ही चक्कू की मदद से बिना कुछ सोचे समझे मार्क के सर के चिटड़े कर बहरे में से मार डालता है। तो अब मार्क एंड समांथा के ऐसे मरते ही सीन अब डायरेक्टली यहाँ से मूव होकर और किसी पे नहीं बल्कि जॉन एंड जूलिया के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर ये दोनों अपने फ्रेंड्स की मौत से बिल्कुल अनजान एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए बस अपने रिलेशनशिप के मैटर के बारे में इंटेंस तरीके से बात ही कर रहे थे। तो तभी ही उसे ही बीच जूलिया, जो कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी, अचानक से उसका कैमरा चलते चलते ही अपने आप ही से मार्क के कैमरे के तरह ही रैंडमली ग्लिच करना शुरू कर देता है। तो अब इस काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख जूलिया वो अपने ठीक सामने ही खड़े जॉन को देख उसको इस बारे में कुछ बताती हैं। तो तभी ही उससे पहले वही क्रीपी सी दिखने वाली एंटिटी आ जाती है, जहाँ पर वो एकदम से जॉन के गले को पकड़ सैम समांथा एंड मार्क के तरह ही बड़े ही भैरमे से चक्कू की मदद से जॉन के गले को भी भैरमे से काट कर मार डालता है। तो हाउएवर अब अपने ठीक सामने जॉन को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ देख जूलिया वो जैसे तैसे भागकर उस क्रीपी सी एंटिटी से अपनी जान बचाने की कोशिश करती, बट तभी ही उससे पहले वो एंटिटी अचानक से जूलिया के सामने आ अपने हाथों में पकड़े हुए उसे ही चक्कू की मदद से जिससे इसने जॉन, मार्क एंड समांथा को मारा था, जूलिया को जोर से धक्का दे जमीन पे गिरा, चक्कू से उसके पेट को फाड़ अंदर की सारी अंथड़ियों को खींचकर बाहर निकाल फाइनली उसको भी मार डालता है।